और पिछले बार हमने जो फार्मेसी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे थे जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अभी बाकी के जो 50 क्वेश्चन अभी देखेंगे टोटल जो हमने आपके लिए पीडीएफ बनाया था, तो 50 से हमारा खत्म हो चुका था। पुराने वीडियो आप जाके देख सकते हैं। 51 का जो क्वेश्चन है कि एनामेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कि एनामेज क्या बोलते हैं इसको, एक्जाइलिड सस्पेंशन या फिर एम्यूलूजन या फिर काइलेसेट्रिक। यहाँ पर आंसर सही है डी, काइलेसेट्रिक। ठीक है, दिस सिरप इज नियरली सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ये इंडियन आर्मी में हमेशा पूछता है कि द सिरप इज नियरली सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन या फिर पीजी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सुक्रोज है। द सिरप इज डेस इन नेचुरल एक्वेस, नॉन एक्वेस गैस और सॉलिड। तो इसका जो सही आंसर है एक्वेस। ठीक है, 54 में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फ्रॉम सोल्यूशन, गलेस, सस्पेंशन और एनामेज। तो इसका जो सही आंसर है वो सस्पेंस है। ठीक है, सस्पेंशन है सॉरी। और उसके पास एक्सेलिस आर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, एक्वेसस, विसिकॉस या सेमी सॉलिड्स। तो एक्सेलिस आर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड। ओके, डेस इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप, सिंपल सिरप, मेडिकेटिक सिरप, फ्लेवर सिरप या मिक्स्ड सिरप। तो इसका सही आंसर है मिक्स्ड सिरप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लिनिमेंट्स मोस्ट नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द डेड स्किन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना कि स्वेल्ड, ब्रोकन, पेनफुल और नॉर्मल। ब्रोकन एनामेज आर एडमिनिस्ट्रेटेड रेक्टली, ओरली या फिर पेरेंटली या फिर एक्सटर्नली। तो इसका सही आंसर है रेक्टली। डेस ड्रॉप्स आर यूज इन ऑप्टिक कैविटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। आई ड्रॉप्स या फिर ईयर ड्रॉप, नासल ड्रॉप या नॉन ऑफ दिस। तो आई ड्रॉप आर यूज इन ऑप्टिक कैविटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, डेस इज यूज एज ए थ्रॉट पेन व्हीकल। ठीक है, थ्रॉट पेन व्हीकल में कौन सा यूज होता है, ग्लिसरीन, वाटर, सिरप और सोल्यूशन। तो सही आंसर है ग्लिसरीन। इन आर्टिफिशियल सिरप व्हिच इनग्रेडियंट्स इज यूज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और सैचराइन। तो सही आंसर है 61 का डी, सैचराइन। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंट एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, सोबरिटियन, मोनोलैक्ट्री, ट्राइक्सोपोल, बेंजाथियम क्लोराइड या फिर थायोमरसल। तो इसका जो सही आंसर है 62 का डी है, थायोमरसल। बफरिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट या फिर पीएच मॉडिफायर्स या फिर वेटनिंग एजेंट। तो आंसर सी, बफरिंग एजेंट इज कॉल्ड एज पीएच मॉडिफायर्स। ठीक है, उसके बाद सैचरिन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियली स्वीटनिंग एजेंट या फिर होमोसेंट। तो इसका सही आंसर है 64 का सी, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट इम्पैक्ट सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, एब्जॉर्प्शन या फिर वेटिंग या फिर विस्कोसिटी। ठीक है, चलते 66 पे। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है सिपाही फार्मा की, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्वेश्चन, उसको मार्क कर लेना, वो काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर इस पीडीएफ से आपका 10 क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो को थोड़ा एक लाइक प्रेस कर दीजिए, कर दिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। डी सोडियम ईडीटीए इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, फ्लावरिंग एजेंट या फिर कलेक्टिंग एजेंट या फिर प्रिजर्वेटिंग। तो सेलेटिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल कोरोलेंट, अमरनाथ, एथोसाइसिन, कारोटेनोइड्स और फिर ओसाइन। तो इसका जो सही आंसर है 67 का सी। उसके बाद कोरोसिनल इज ए डेस एजेंट, फ्लावरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट या फिर थिकनिंग एजेंट। इसका सही आंसर है कलरिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फॉर्मिंग एजेंट, मैथालियल सेलुलोज, उसके बाद एस्पार्टमी, सुक्रोज और सेमोथायोसिनी। तो इसका सही आंसर है 69 का सी। 70 नंबर पर चलते, हुई जो द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हीकल, क्रायोसोल, वाटर और बुटोलेटेड, हाइड्रोक्सल, टोनेनल और रोज वाटर। तो इसका जो सही आंसर है 70 का सी, BCA स्टैंड फॉर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर रहा हूँ, ये लिख लेना। और ये 70 नंबर और ये 71 नंबर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोनॉमियल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका आंसर है BCS, एक नंबर का सही है ए। उसके बाद सेट्रीमाइड एंड मार्कोरोगोल्स आर एन एग्जांपल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, एमोलोफाइलिंग एजेंट या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका है सी, एमोलोसिफाइंग एजेंट। ठीक है, नीड
फॉर माउथ वॉश इज द रिजल्ट ऑफ कंडीशन कॉल्ड आयोइंग याइंग हालिटोसिस इंडेजिनेशन और ए शॉर्ट थ्रोट। तो इसका आंसर इज बी। ठीक है 74 में चलते हैं। 74 का ए देखते हैं, देयर आर ऑयली और एक्वेशियस सॉल्यूशन दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड रेक्टली सस्पेंशन ऑप्टिक सॉल्यूशन नाजल ड्रॉप्स और एनामेज। तो इसका सही आंसर है एनामेज। डिफ्यूजबल ड्रग्स आर फॉर्मुलेटेड विदाउट द यूज ऑफ बफर्स वेटिंग एजेंट सस्पेंडिंग एजेंट या फिर बी एंड सी। इसका सही आंसर है बी और सी, सस्पेंडिंग एजेंट और वेटिंग एजेंट दोनों सही है। सीपीटी कंसीट्यूशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है सीपीटी काफ़ी बार। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है डी 20% एरेसिया 15% ट्रांगाकेंथ 20% स्टार्च और 45% सुक्रोज। ठीक है ये आंसर इसका सही है, ये देख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकासिया पेरोक्साइड लियाज अल्फा अमलाइज या फिर ग्लूटामेट। यहाँ पर सही आंसर है 77 का ए। द प्रेस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय रजिस्टर मेडिसिन पर्सिनेटर पर्सिनेर टू पेशेंट फार्मासिस्ट कंपाउंडर और नर्स। तो इसका सही आंसर है ए फार्मासिस्ट। इन विच लैंग्वेज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच लैंग्वेज द एब्रीविएशन इन द प्रेस्क्रिप्शन रिटिन इज वेरी कॉमन स्पेशली इन डोजेस इंस्ट्रक्शन। 79 का लैटिन ग्रीक फ्रेंच और फ्रेंच दो बार दिया है, तो इसका सही आंसर है लैटिन। द प्रेस्क्रिप्शन मेड बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय फार्मासिस्ट नर्स पेशेंट और फिजिशियन। तो इसका सही आंसर है अपना फार्मासिस्ट। द सब्सक्रिप्शन इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ आर एक्स डी सी डी ओ सी या फिर पी एच। द सुपर सॉरी सुपरस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन नहीं सुपरस्क्रिप्शन तो आर एक्स। ठीक है इन द डे ऑफ माइथोलॉजी द सिंबल ऑफ आर एक्स इज कंसिस्ट एज ए प्रेयर टू जुपिटर जीसस नेपच्यून और धनावंती। तो इसका है जुपिटर। द एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड आर एक्स इज यू टेक टू मेक टू सोल्ड टू यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछता है यू टेक। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर द पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेंट्स नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स नेम एंड ए सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर और पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। द लास्ट आइटम रिटन इन द प्रेस्क्रिप्शन इज व्हीकल और डायलेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है उसके बाद क्या हो गया मेडिकेमेंट या फिर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना व्हीकल डायलेंट। ठीक है द पार्ट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेंट्स डायरेक्शन और टू द फार्मासिस्ट डायरेक्शन टू द पेशेंट डायरेक्शन टू द पेशेंट्स रिलेटिव ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ठीक है द एक्शन बेस्ड एरर इज कॉल्ड एज स्लिप्स लैप्स एग्जीक्यूशन या फिर एप्लीकेशन स्लिप। द मेमोरी बेस्ड एरर्स आर नोन एज स्लिप्स लैप्स नॉलेज और रिपोर्ट्स। इसका जो सही आंसर है वो है लैप्स। ठीक है यहाँ पर आपकी टोटल 80 क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। ये जो बेसिक क्वेश्चन होता है आप पढ़ लेना, ये सिपाही फार्मा में रिपीट हुआ है और होगा। जो 50 क्वेश्चन बताया था और अभी जो आपको टोटल 88 क्वेश्चन हो गया। ठीक है टोटल ये पढ़ लेना, नेक्स्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट का जीडी का वोमेन मिलिट्री पुलिस का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे कमेंट करके बताना कितना आपका आंसर सही हुआ है, एक्चुअली ऑनेस्टली बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।